देखिए दोस्तों, रात पे जाएगी, पिस्टन पूरे नए लगेंगे, ये वाला। अरे पानी ना रहा है, फिर फूल। ये देखिए दोस्तों, आ गया हमारे पास न्यू हलान 3037 दोस्तों। इसका दोस्तों यही कमी है, देखिए अपने आप लोड नहीं ले रहा, बंद हो गया है। और दोस्तों इसका फुल इंजन हम लोग वार हाल करेंगे, अभी गर्मी का सीज़न है दोस्तों, और इसका पूरा इंजन फुल बनाएंगे। बहुत ही पुराना मॉडल है, अभी इसको बढ़िया तरीके से अंदर लगा दिया जाएगा, बहुत ही सेफ्टी तरीके से दोस्तों। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर लगा लेंगे दोस्तों। वहीं कैसे इसको खोलते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, इसलिए वीडियो कौन तक जरूर देखना है आपको। ये देखिए, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लिया जाएगा। इसको बढ़िया तरीके से लगा के इसका ऊपर का जो शो था उसको हमने निकाल लिया है। अब इसका जो आगू का सपोर्ट है इसको भी बहुत फास्ट तरीके से निकालेंगे दोस्तों। और निकाल के इसको कैसे ले जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा, और इसमें क्या दिक्कत है ये भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये बाइक हुआ था। इसको निकाल लिया गया है, इसको बढ़िया तरीके से निकाल लिया गया है। अभी इसका इंजन हम लोग खोलेंगे। 45 कब कहीं से 45? ये देखिए दोस्तों, अब इसका जो ये शो है ये खुल गया है पूरी तरह से। अब इसको निकालेंगे स्टीयरिंग सहित, अब इसको हम उठा के ले जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, पानी ना रहा है। इसकी मैं हालत आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। हमारे साथ तो थोड़ा अंधेरा रहता है, लेकिन वीडियो में बहुत अच्छी बना रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही गंदी गाड़ी है ये देखिए। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से खोल लेंगे, उसके बाद अभी ऐसे दिख रही है दोस्तों। अभी जब हम धुला के बांधेंगे आपको इंजन दिखाएंगे, ये मिट्टी नहीं लगी रहेगी। इसको खोलेंगे बहुत ही फास्ट, नहीं इतना वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। अब इसका जो टाइफिड चिड़िया है, इसका कटोरा तो हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, और जो इसका वो टाइफिड चिड़िया है, देखिए कितना ज़्यादा इसमें मतलब कालिक है। अभी इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों निकाल लेंगे। दोस्तों खुलने वाला वीडियो मैं अलग डालूंगा, और जब बांधूंगा तो उसका अलग भाग रहेगा, इसलिए दोस्तों लंबी वीडियो हो जाती, मेरे में स्टोरेज कम है। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो वार्सल रहता है थोड़ा टाइट रहता है, इसलिए आपको तीनों वो चारों वार्सल निकाल लेना है। ये देखिए पैकेट चिड़िया इसके निकाल लिए हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रख देंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसकी गाइड है, ये इसी में अपनी चलती है, ये अपनी चुटकियाँ लगी हुई हैं। अभी हेड निकालेंगे, आपको दिखाएंगे, पहले सबसे पहले खोल लिया जाएगा सारा सिस्टम। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो हेड है इसको हम खोल रहे हैं, और इसका जो जितना भी आगू का सिस्टम था सारा हमने निकाल लिया है। अब इसका हेड आपको निकाल के दिखा रहे हैं, इसकी वाल की कंडीशन, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ये देखिए, अब अपनी पुली भी हमने लूज कर लिया है, और आप पुली भी निकाल लेंगे। पुली भी दोस्तों कटी हुई है, ये देखिए, तो अभी खराद, ये मतलब खराद में ये भी जाएगी। और अभी हेड खोल के आपको दिखा रहा हूँ इसकी वाल की कंडीशन कैसी है। ये देखिए दोस्तों, अब इसका हेड है ये जो हमने खोल लिया है, अब इसको निकालेंगे उठा के दोस्तों, अब इसको उठा के निकालेंगे। और दोस्त दिखाऊं, दो स्टेट दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइट रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों, हेड तो इसका निकाल लिया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिस्टन की चाल है ये, थोड़ा निन्न चाहो दोस्तों, इसका ये हेड है,
पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए वाल सब बढ़िया तरीके से ग्रीन होंगे। ये पूरा एकदम ख़राब मशीन के लिए भी जाएगा दोस्तों। इधर इसका सेल्फ भी और हाइड्रोलिक पम्प भी निकाल लिया गया है और अभी इसको जा के आपको दिखाएंगे। ये देखिए ऐसे ही चलता है, ये अपना केम है। हाँ चार, तो ये देखिए दोस्तों इसका केम ऐसे ही चलता है और पिस्टन भी रिस्टार्ट होता है अपना ट्रैक्टर तब। तो ये देखिए इसका जो टाइमिंग पर्दा था इसका सारा बोल्ट हमने खोल लिया है, अब इसको निकालेंगे। ये एक स्टैंड लगा रहता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा टाइट रह गया। तो ये देखिए दोस्तों ये निकल चुका है, अभी ऐसा है अंदर देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें कचरा है। तो अभी इतना ज़्यादा इसमें दोस्तों कचरा ही बहुत ही ज़्यादा है, तो अभी इसका नचा के एक बार इसकी टाइमिंग लाएंगे, उसके बाद इसको खोल देंगे। चिम्मर भी नीचे खोला जा रहा है ये दोस्तों, इसकी टाइमिंग आपको दिखा रहा हूँ। ये अपना केम वाला है, ये और यहाँ कितना ये क्रैंक वाला है, ये आइडियल गियर वाला, इधर पंप वाला भी है दोस्तों। खिंचा खिंचा बराबर है और अभी इसका जो केम है इसको हमने निकाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये बंधा नहीं रहता है, ऐसे ही निकल आएगा, प्लेट से ही ये आ रहता है। ये देखिए दोस्तों याद करके ऐसे ही टाइमिंग आपको लगा देना है, कोई जानकारी अवश्य नहीं है मतलब सबके। तो हमें ऐसे ही आपको खोल के मैं निकाल लिया हूँ और बांधते समय मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों इसका जो आइडियल गियर है इसको हमने निकाल लिया है, इसका भी दोस्तों बुश बनने जाएगा और पूरा इंजन पूरा जितना भी इसका ब्लॉक है पूरा ही जाएगा। और अब इसका दोस्तों पंप ही निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले इसका दोस्तों चिम्मर निकालेंगे उसके बाद पंप को। तो दोस्तों इसका चिम्मर निकाल लिया गया है, ये देखिए अब इसकी जो साइड वाली प्लेट है उसको भी हम निकालेंगे। ये देखिए इसका सारा सामान इतना निकल गया है, तो अभी ये प्लेट निकालेंगे दिखाइए। तो ये देखिए दोस्तों इसको इसकी प्लेट जो है टाइमिंग वाली इसको हमने निकाल लिया है, ये दूसरी वाली थी। अभी अपना खाली इंजन बचा है मतलब पूरा ब्लॉक बचा हुआ है दोस्तों। तो अभी इसको भी पूरा सेट ही यहाँ से क्लच पर से पूरा यहाँ से नीचे उतार के धर देंगे, आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले दोस्तों इसका पिस्टन जो है इसको निकालेंगे, तीनों पिस्टन को दोस्तों निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो पिस्टन था इसको हमने तरह से खोल लिया है, ये देखिए ऐसे इसको निकालेंगे। दोस्तों इसकी बिगिन जो छंट गई थी ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें पकड़ है, पूरी तरह से दोस्तों एकदम लाल हो गई है, नीचे की बिगिन है दोस्तों ये। तो ये देखिए दोस्तों इसकी यही वाली बिगिन थी जो छंट गई थी जो मैं आपको दिखाया हूँ। इसकी कनेक्टिंग भी ख़राब पे जाएगी, पिस्टन पूरे नए लगेगी, ये वाला हिस्सा पूरा नया रहेगा। तो ऐसे ही दोस्तों तीनों पिस्टन मैं आपको निकाल के दिखाऊँगा, पूरा फुल इंजन निकाल के दिखाऊंगा। इसका इंजन उतारने जा रहे हैं हम लोग, एक ही बोल्ट बचा हुआ है, ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों अभी इसको उतार लिया गया है नीचे, ये देखिए अभी इसको छुट्टा कर डालेंगे पूरी तरह से और बांधते से समय आपको दिखाऊंगा।
ये दोस्तों इसको जो है चुटकी और थी उसको हमने निकाल दिया है और इधर इंजन भी अपना खुल गया है। ये देखिए दोस्तों इसकी क्लच प्लेट भी सही थी, क्लच प्लेट अभी हम बदले थे। और दोस्तों इसकी फ्राई व्हील खोलेंगे, केरन को भी आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा। अरे हम तो चले आओ घर में जिंदा को आओ यहां देख चलाइए। फ्राई व्हील जो है सही है, कटी नहीं है, इसलिए इसको अभी ये सही है निकाल दिया है। अब इसका जो हाउसिंग है फ्राई व्हील हाउसिंग इसको निकालेंगे अब। तो ये देखिए दोस्तों ये निकल गई है, अब इसको निकाल के फैले मैं आपको दिखाऊँगा निकाल के धर के। ये देखिए दोस्तों ये निकल चुकी है, ढाई दो दोस्तों। अब इसकी मेन सीट प्लेट निकालेंगे, ये देखिए दोस्तों इसका केरिंग ये प्लेट निकाल ली। ये देखिए दोस्तों इसका केरिंग भी खुल गया है, इसकी केरिंग बिगिन कैसी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसको निकालते हैं। ये देखिए ये देखिए दोस्तों इसकी किरण की विघिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों सही है, लेकिन फुल इंजन इसका दोस्तों बनेगा आप। और अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धुल के ये सब खराद मशीन पे जाएगा दोस्तों। तो अभी इसका जो दूसरा भाग है मैं जब कंप्लीट होने लगेगा तब मैं बना के आपको दिखाऊंगा।